सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना काफी आसान भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। देखो, डिफिकल्ट तब है जब आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है और आप कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको पैशन ये फॉलो करना है तो आपको प्रॉपरली अपडेटेड रहना होगा कि क्या मार्केट ट्रेंड्स है, क्या रोड मैप है और हमें ऐसी क्या क्या चीजें, प्लस आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। अब देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अम्ब्रेला टर्म है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, डोमेन इसमें बहुत अलग अलग है। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, AI, ये सारी चीजें अलग है। अब वेब डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है आपका फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, और फिर ये जो सारी चीजें कर पाते हैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब बात हो गई। तो आपको ना क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिलता है और आपके स्किल्स एज वेल एज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको रोड मैप से मेरा क्या मतलब था? रोड मैप से मेरा ये मतलब था कि आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है कि जब आपका प्लेसमेंट आए या आपको इंस्टेंटली जॉब की जरूरत है तो आप कहीं फंस ना जाओ, आप कहीं ऐसी कोई चीज ना कर रहे हो जिसका आउटपुट आपको मिलेगा तो, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमेशा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में हमेशा हमेशा ये बोला है, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई थी यार, पता है। देखो, रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन कौन सा रिसोर्स किस टाइम पे फॉलो करना है ये हमें नहीं पता है ना। तो मेरे से यही गलती हुई थी। क्या हुआ था कि मुझे DSA वगैरह के बारे में सेकेंड या थर्ड में पता चला था, थर्ड ईयर में, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में बोल लो, और फिर यार मैंने उस टाइम पे DSA करना स्टार्ट कर दिया था। बट लकीली मैंने साइड में डेवलपमेंट भी कर लिया था, तो डेवलपमेंट करने की वजह से मेरी जॉब लग गई थी। बट अगर मैं सिर्फ DSA कर रही होती, डेवलपमेंट नहीं कर रही होती, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी जॉब लग पाती, क्योंकि DSA एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ना प्रॉपर 2 years देना है। 2 years इन द सेंस कि आपको 8 से 9 महीने पूरा कोडिंग में देना है, और उसके बाद आपको जैसे जॉब वगैरह ढूंढनी होगी और लीड कोड वगैरह आप कर रहे हो, एग्जाम देते देते आपको प्रॉपरली 2 साल प्रॉपरली देना है ना। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन बाद पढ़ रहे हो, फिर 2 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। DSA में आपको प्रॉपर टाइम देना है। मैं एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं हमेशा ऐसे व्लॉग प्लस इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ वीडियो अपलोड करती हूँ, बट क्योंकि मेरा चैनल ये ऑलमोस्ट टेक्निकल साइड जा रहा है तो ये मेरा अब ये लास्ट वीडियो होगा व्लॉग वाला। अगर व्लॉग वाला आएगा भी ना तो महीने में एक बार, या बहुत अच्छा कुछ ओकेजन हुआ, या क्या पता, डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर मैं क्या कर पा रही हूँ, ठीक है, तब मैं अपलोड करूंगी। बट अब ये इस वीडियो के बाद से सारी टेक्निकल चीजों पे ही वीडियोस आने वाले हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट आने वाले हैं जो यूट्यूब पे नहीं है। मतलब मैं कुछ यूनिक सा करूंगी, क्योंकि हर कोई एक ही चीज कर रहा है तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, प्लस ज्यादा से ज्यादा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है हर कोई एक ही चीज करो, लेकिन मैं कुछ ऐसा अलग सा लाना चाहती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को एक यूनिक सा कॉन्टेंट मिले। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मेघना श्रीवास्तव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाई प्रोफेशन, और मैं इस चैनल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस करती हूँ। अब क्योंकि ये मेरा प्रॉपरली टेक्निकल वाला चैनल नहीं है, इसलिए मैं अपने व्लॉग वाले वीडियोस में ही कर देती हूँ। अब देखो, मेरा ये मानना है, काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि लिखा तो तुमने अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बात तुम DSA या चीज या अलग चीजों की कर रही हो। तो देखो, मेरा ये मानना है, अगर आप कहीं पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहां से कुछ सीखना चाहिए, आपको वहां से मतलब कुछ सीख के ही आओ। अगर आप मेरी वीडियो को 10 मिनट या 11 मिनट 12 मिनट में देख रहे हो तो आपको उस मिनट में मैं जितनी भी नॉलेज दे पाऊँ मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने अपना व्लॉग शूट करा, आप देख तो रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है कि हाँ मैंने अभी ये कॉफी ली, अब मैं मेट्रो ले रही हूँ, मैं ऑफिस पहुंची, नहीं ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, या मतलब अभी BTech कर रहे हो, या क्या पता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो इनको इन्फॉर्मेशन मिले, और जो भी चीजें मैं सीख रही हूँ वो मैं सबको शेयर कर पाऊँ, सो दैट आई कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी, ठीक है। और मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर मुझे सारी चीजें एक प्रॉपर टाइम पे पता चल गई होती तो क्या पता मेरा भी कहीं और हुई होता कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। YouTube पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सारे ही A to Z बहुत अच्छे हैं, सारे A1 हैं, बट आपको कौन सा रिसोर्स कौन से टाइम पे यूज करना है ये ज्यादातर वीडियोस में डिस्कस नहीं हुआ है। ऑब्वियसली जो टॉपिक है आपको वहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस वाला चैनल आप समझ सकते हो। अब इसके बाद मैं टेक्निकल चीजों पे भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, और ये व्लॉग वाला वीडियो मेरा ऑलमोस्ट लास्ट वाला ही होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। एक बार बता दूं, सिर्फ DSA से ही कुछ नहीं होता है, आपका रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। और अगर आपने रेज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छी स्किल्स और
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका रिज्यूमे मैटर करता है। अगर उसमें कीवर्ड्स नहीं तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अगर शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो आपको मौका कैसे मिलेगा अपने आप को आगे प्रूव करने का, इंटरव्यू देने का या ऑनलाइन असेसमेंट में बैठने का, ठीक है। तो ये बात भी मुझे काफ़ी देर में पता चली। तो मैं आपको बता दूँ, रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपकी स्किल्स को जस्टिफाई कर पाए। अब देखो, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको क्या आपका टारगेट है, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और मेरी बात मानना तो यूनिक प्रोजेक्ट से उठाना। देखो, यूट्यूब पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सबने अपने रिज्यूमे में वही सारे प्रोजेक्ट्स डाल रखे। अब ऐसे में आपका ना रिज्यूमे खो जाएगा कि यार सब में तो सेम जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है, और नहीं भी बनना है तो आप फिर भी आप देखो आप अपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट की स्किल दिखाओगे ना, तब आप क्या पता फ्रंट एंड में जाओ, बैक एंड में, डेटाबेस में, ऐसे आपकी ना जो है बहुत सारी लाइंस खुल जाएंगी, रोड्स खुल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड में जाओगे तो आपके लिए ऑप्शंस कम होंगे। अगर आप अपने रिज्यूमे में फ्रंट एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ज्यादा दिखाते हो, मतलब फुल स्टैक, सॉरी नॉट फ्रंट एंड, फुल स्टैक के सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हो, तो ऐसे ना कंपनीज के लिए ऑप्शन रहता है कि हाँ इस ये बंदा तो फ्रंट एंड में भी काम कर लेगा, डेवलप बैक एंड भी कर लेगा और डेटाबेस में भी काम कर लेगा। तो इसलिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स रखने हैं जो फुल स्टैक वाले हों, ठीक है। अब मैं अगर वेब डेवलपमेंट में बात करूं तो फुल स्टैक में आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट ले सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट ना पूरी फुल फ्लैश वेबसाइट होती है, उसमें यूआई भी होता है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, फीचर्स होते हैं, प्लस उसमें डेटाबेस से भी आप काम कर रहे हो, आप बैकएंड का भी काम कर रहे हो, उसमें एपीआई कॉल्स भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आप उसमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, मान लो अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, इसके आपको अच्छे से क्लोन मिल जाएंगे जो कि प्रॉपर क्लोन हो। ऐसा नहीं कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से आपने क्लोन बना दिया, नहीं, आपको प्रॉपर फुल वाला क्लोन लेना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरेन यूट्यूबर्स को ढूंढो और उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और प्लस उन्होंने टेक्नोलॉजी भी काफी हाई लेवल की यूज कर रखी है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, अब फिर उस पर जब आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली तो वेबसाइट बनाते टाइम ना चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले लो कि अच्छा इस कोड में आके चल क्या रहा है। अब तो चीजें बहुत ज्यादा आसान है, आप उनके कोड को कोड करो और कहीं समझ में आया तो चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी से आप पूछ लो कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अगर मान लो आप फंस रहे हो तो आप उनसे पूछ लो चैट जीपीटी वगैरह से कि इसको मैं कैसे रिजोल्व करूँ, ठीक है। अब ये बात होगी आपके प्रोजेक्ट्स की। अब आप क्या करो, एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप प्रोजेक्ट को अपना नेम दे दो और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। अब आपने मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, ठीक है, अब आप उसको अपना नेम दे दो, आप अमेजोन क्लोन मेंशन करने के बजाय कोई अपनी टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो कि क्या पता आपकी वेबसाइट हो सकती है बुक्स से रिलेटेड, क्या आप अपने इसमें बुक्स दोगे, सारी नोट्स दोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, बीटेक सीएस के नोट्स दोगे, ठीक है, इस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स डालो। और ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब देखो, प्रोजेक्ट्स ऐड करने का मतलब ये होता है कि कंपनीज को पता चल जाता है कि अच्छा इस बंदे में ये पोटेंशियल है कि ये एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस भी समझ लेता है। देखो, एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस हमें कैसे समझ में आएंगे, अब जब हमने एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट बना रखा है, मतलब एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रखा है ई कॉमर्स वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन क्लोन बहुत अच्छे से बना रखा है और आपकी अमेजोन में अगर जॉब लगती है, ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, एक बस मैं आपको थिंकिंग बता रही हूँ कि रिक्रूटर को ये आइडिया लगेगा अच्छा कि इसको सिस्टम कैसे चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। आपसे ये कोई पूछ देगा कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता होगा क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट में कर रखा है। प्लस अगर आपने अपने रिज्यूमे में अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि आपने खुद से करे हैं, अगर आपने वो ऐड करा है तो उसकी वेटेज ज्यादा होती है। प्लस इंटरव्यू में ना आपका पूरा डिस्कशन फिर प्रोजेक्ट की तरफ चला जाएगा, ज्यादा अलग की चीजें नहीं होंगी, इंटरव्यूअर को डिस्कस करने का एक पॉइंट मिल जाएगा तो फिर वो सारा डिस्कशन उसका इंटरव्यू प्रोजेक्ट के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रोजेक्ट अच्छे रखने हैं। और मान लो कि कोई कंपनी में कोई ऐसी ओपनिंग है और आपने उससे रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए आपको मतलब ना समझ जाओ कि प्रोजेक्ट्स आपको बस दिखाता है आपकी स्किल्स कि हाँ आप इस कंपनी में काम कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीम में काम कर सकते हो। इसलिए प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स में अच्छे से टाइम दो अगर आप कॉलेज में हो, और अगर कॉलेज में भी नहीं हो ना तो आप साइड में प्रोजेक्ट्स बनाओ, आराम से हो जाएगा यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कहीं पे भी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहो, आपकी सक्सेस आपको 6 महीने बाद जरूर मिल जाएगी, है ना। तो कंसिस्टेंट रहो और काम पे ध्यान दो, और
और फिर मैंने जैसे बताया कि टेक्निकल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल का 2024 के 6 महीने जा चुके हैं और नेक्स्ट 6 मंथ स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप इस 2024 के एंडिंग में एक ऐसा प्राउड मोमेंट खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। तो इस नोट से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।